हमारे शो में टाटा मोटर्स पर फोकस है और आप जानते हैं टाटा मोटर्स ने हाल ही में हाईएस्ट एवर एनुअल क्वार्टरली एंड मंथली पैसेंजर व्हीकल सेल्स द बेस्ट क्वार्टर द बेस्ट ईयर एंड द बेस्ट मंथ फॉर टाटा मोटर्स रियली टर्न अराउंड हो रहा है कंपनी में कई समय से हम देख रहे हैं अच्छे नंबर्स और अब क्लियरली इट्स रिफ्लेक्टिंग ऑन द वे द कंपनी इज ग्रोइंग मेरे साथ इस वक्त शैलेश चंद्रा मैनेजिंग डायरेक्टर टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स एंड टाटा पैसेंजर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी साथ में जुड़ रहे हैं सर बहुत बहुत स्वागत है आपका ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक टू यू फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सर कंग्रेचुलेशंस बहुत बढ़िया नंबर्स दिख रहे हैं कंपनी की तरफ से आते हुए क्लियरली गुड ट्रैक्शन गुड डिमांड इज कमिंग 43% ग्रोथ हमने ईयर ऑन ईयर देखा है मंथली सेल्स की अगर हम बात करें की फैक्टर्स क्या थे सर बिहाइंड दिस काइंड ऑफ परफॉर्मेंस धन्यवाद स्वाति जैसा कि आपने बोला कि पिछले साल हमने हाईएस्ट एवर अपनी हिस्ट्री में किया 370,000 जो कि 67% की ग्रोथ थी इसके पीछे हमारी जो पॉपुलैरिटी है जो न्यू फॉरएवर रेंज की जो बढ़ती जा रही है उसके कारण है बट उससे ज़्यादा मैं इस चीज़ को भी बताना चाहूँगा कि हमने जिस एजिलिटी के साथ सप्लाई सिचुएशन को मैनेज किया उसका भी काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा जो प्रोडक्ट्स हमारी पॉपुलर हो रही हैं जिनके कारण ये ग्रोथ सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है वो हमारी एसयूवी रेंज है जो कि 4 प्रोडक्ट्स हैं हमारे यहाँ नेक्सॉन पंच हैरियर और सफारी नेक्सॉन हमने 2017 में लॉन्च किया था लेकिन इस साल हमने उसकी पीक देखी पिछले वर्ष हमने इसकी 1,25,000 की बिक्री की और नंबर्स आने अभी बाकी हैं लेकिन इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे कि ये नंबर 1 एसयूवी की तरह नंबर 1 एसयूवी बनकर रहेगी जब नंबर्स सामने आएंगी तो दूसरा पंच में हमने देखा है कि 6 महीने के अंदर हमने 50,000 गाड़ियों की बिक्री की है तो ये भी काफ़ी सक्सेसफुल व्हीकल है और पिछले 6 महीनों में हमने देखा है कि ये हमेशा टॉप 10 मोस्ट सोल्ड कार्स में दिखती रही है तो ये दोनों प्रोडक्ट्स हमारे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं और हैरियर सफारी जो है वो पिछले साल भी करीब करीब 50,000 की बिक्री हुई तो एसयूवीज जो हैं जिसमें हम लोग लास्ट फिनेंशियल ईयर का है उसमें हम लोग कंसिस्टेंटली नंबर 1 की तरह उभर कर आ रहे हैं सो एसयूवीज जो है उसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है हमारी ग्रोथ में जो कि करीब करीब 65-70% जो है हमारे सेल्स की है एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री सिर्फ 40% है ऑफ कोर्स एसयूवी बहुत मेजर कंट्रीब्यूटर रहा है आपके नंबर्स में और वो दिख रहा है 65-70% सेल्स एसयूवी से आ रही है क्लियरली ट्रैक्शन सर वही है और खास बात ये सर दैट हमने ये अच्छी परफॉर्मेंस तब देखी है जब एक्यूट सेमीकंडक्टर शॉर्टेज है दैट मींस डिमांड बहुत ज्यादा है इससे भी आप बेहतर प्रदर्शन दिखा सकते थे सो जस्ट टू गेट अ सेंस सर यहाँ से जो नंबर्स हैं बहुत बेहतर दिखेंगे सेमीकंडक्टर शॉर्टेज की अब स्थिति क्या है अगर आप क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3 देखें लास्ट फाइनेंशियल ईयर की स्वाति तो उसमें इंडस्ट्री जो है वो 7.5 लाख से ज़्यादा नहीं कर पा रही थी पर क्वार्टर लेकिन लास्ट क्वार्टर अगर आप देखें तो अभी अगर नंबर आने बाकी हैं लेकिन 9-9.5 लाख के आसपास इंडस्ट्री की वॉल्यूम रही होगी तो इस क्लियरली सेमी कंडक्टर का सिचुएशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा है हमने और इस क्वार्टर भी मैं उम्मीद करता हूँ कि ये ट्रेंड बरकरार रहेगा लेकिन जैसा आप हम लोग ये भी देख रहे हैं जो यूक्रेन में स्थिति है उसका इम्पैक्ट क्या होगा पूरे वैल्यू चेन में तो सिचुएशन को हम लोग बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि जैसा हमने सिचुएशन देखा था क्वार्टर 2 क्वार्टर 3 में उससे काफ़ी बेहतर होगा ओके सिचुएशन बेहतर हो रही है स्लोली बट ऑफकोर्स थोड़ा कॉशियस रहना ज़रूरी है सर एसयूवीज की आपने बात की हाईएस्ट एवर एसयूवी सेल्स आई थिंक अगर हम देखें महीने में तो कुछ 30,000 के करीब नंबर आ गया है कितना मार्केट शेयर आपने इसमें गेन किया है और आगे किस तरीके का मार्केट शेयर आप गन कर रहे हैं फॉर द एसयूवी स्पेस मैं एग्जैक्ट नंबर आपको बता पाऊंगा बट करीब करीब 30% हमने मार्केट शेयर इसमें डेफिनेटली अर्जित किया होगा ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ बट वो आसपास ही नंबर होगा जो कि हम लोग 16-17% पर थे लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक तो काफ़ी वृद्धि आई है इस साल हमारे मार्केट शेयर में एसयूवीज के
हम लोग नॉर्मली SUVs बेचा करते थे करीब करीब, मैं समझता हूँ 12,000-13,000 पर मंथ, जो कि आपने जैसा कहा कि लास्ट मंथ हम लोगों ने करीब करीब 30,000 बेचा, तो सिग्निफिकेंट इंक्रीज हुई है मार्केट शेयर में। और मैंने जैसा आपको बताया कि ड्राइवर्स इसमें मेनली नेक्सॉन और पंच हैं, इन दो को अगर आप ले लें पिछले महीने, तो इन दोनों को मिलाकर हम लोगों ने करीब करीब 25,000 किया होगा। ओके ये दो प्रोडक्ट्स जो हैं वो मेनली ड्राइव कर रहे हैं। ओके यही ड्राइव कर रहे हैं, और 30% आप कह रहे हैं करीब करीब मार्केट शेयर है। और आगे सर क्लियरली आपका फोकस SUVs पर ज्यादा रहेगा, जिसमें आपको अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है। तो इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट पाइपलाइन, अब कंपनी के क्या प्लान्स हैं फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू? हम FY23 में एंटर कर चुके हैं, इस साल टाटा मोटर्स के लिए प्रोडक्ट पॉइंट ऑफ व्यू से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम? तो स्वाति, जैसा आप ट्रेंड देख रही हैं पिछले कई वर्षों से, और जो ग्लोबली भी हमने ट्रेंड देखा है कि SUVs की पॉपुलैरिटी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और इंडियन कंडीशंस में जो रोड कंडीशंस हैं उसके लिए भी काफ़ी SUVs में सहूलियत होती है ग्राउंड क्लियरेंस के कारण, तो रुझान भी जो ग्राहकों का है वो SUVs की तरफ है। लेकिन दूसरा बहुत बड़ा फैक्टर है कि EVs भी जो है वो एक तेजी से मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट बनती जा रही है, और हमारा काफी फोकस उधर है, उसमें भी काफी ग्रोथ आने वाली है। तो SUVs, EVs, ये दो में हम लोग की कोशिश रहेगी कि अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को और स्ट्रेंथन करते रहें हम लोग आगे आने वाले वर्षों में। ओके तो ऑब्वियसली ये स्पेस बहुत ही हॉट रहेगा, ऑफकोर्स डिमांड भी यहाँ पर अच्छी है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और वहां पर आई थिंक आपने जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया है। सभी लोग जिनसे हम बात करते हैं, स्टेक होल्डर्स हों या इवन कस्टमर्स हों, जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला है नेक्सॉन EV, टिगोर EV। ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी हमने देखा, नंबर्स में भी वो दिख रहा है रिस्पॉन्स। 705 यूनिट्स थे पिछले साल सेम पीरियड में, वो 3300 हो गए, यू नो लाइक मोर देन 7 times और एटलीस्ट 5-6 times। कैसे देख रहे हैं सर, टारगेट्स क्या रखेंगे फॉर मार्च 2023 फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, और उस स्पेस में स्पेसिफिकली क्या आगे होगा? तो आपने सही बोला कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर हम देखें तो FY21 के बनिस्पत 5 times ग्रोथ हुई है EVs में। हम लोगों ने करीब 4,000 बेचा था FY21 में, और लास्ट फाइनेंशियल ईयर करीब करीब 20,000 की बिक्री की हम लोगों ने। लेकिन साथी, ये जो नंबर्स हैं वो सप्लाई नंबर्स हैं, डिमांड इससे काफ़ी ज़्यादा है, और इसलिए जो EVs की ग्रोथ है वो डिपेंड करेगी कि हम लोग अपने कैपेसिटी को कैसे तेजी से रैंप अप कर सकते हैं। तो कितनी तेजी से हम रैंप अप कर पाए अपनी सप्लाई को, उस पर हमारा फोकस है, क्योंकि जो बुकिंग्स हैं इसकी वो काफी स्ट्रांग आ रही हैं। करीब करीब 6,000 से ऊपर की बुकिंग्स अब हमें हर महीने आ रही हैं, और पेंडिंग बुकिंग्स भी जो हैं अगर हम लोग सप्लाई रेट देखें तो कम से कम 4-4.5 times ज़्यादा पेंडिंग बुकिंग्स होगी हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में। तो डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है, और जैसे जैसे स्टेट भी काफी प्रोग्रेसिव पॉलिसीज के साथ आ रही हैं, जैसे जैसे पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ EV कस्टमर्स का बढ़ रहा है, वैसे वैसे डिमांड जो है बहुत तेजी से बढ़ रही है। डिमांड बहुत जबरदस्त तेजी से बढ़ रही है। तो आप ये बता रहे हैं कि ये तो सप्लाई के नंबर्स, यू नो हम इनकी बात कर रहे हैं, बट आगे आप कोई नंबर टारगेट पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं सर, क्या FY23 में नंबर यू कैन अटेन और डू इन टर्म्स ऑफ सेल्स फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अक्रॉस द कंट्री सर ओवरऑल? और अभी प्रोडक्शन कितना कर रहे हैं आप, और कितनी कैपेसिटी है दैट यू कैन स्केल इट अप टू? कैपेसिटी तो अभी कोई फ्रीज हुई नहीं है, लेकिन हमारा जो सप्लाई रेट है वो आप लास्ट मंथ देखें तो वही हमारी पीक है अभी तक की, जो कि करीब करीब 3,500 है, और हर मंथ अगर आप देखें लास्ट 5-6 महीने में, 6-7 महीने पहले अगर देखें तो हम लोग 600-700 बनाते थे, उसको हम लोगों ने रैंप अप करके 3,500 कर लिया। तो आगे आने वाले महीनों में हम लोग इसकी प्रोडक्शन और ज़्यादा करेंगे ताकि डिमांड को अच्छे तरीके से मीट कर पाए, तो वही हमारी कोशिश रहेगी। अगले साल क्या टारगेट लेंगे वो तो मैं नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि बहुत कॉम्पिटिशन सेंसिटिव नंबर है, बट आप देख सकते हैं पिछले वर्षों में हम लोग परसेंटेज ग्रोथ में तो हम लोग फोकस नहीं कर रहे हैं, हम लोग मल्टीपल्स में बात कर रहे हैं, तो हम लोग की कोशिश रहेगी कि मल्टीपल्स में हम लोग ग्रो करते रहें EV स्पेस में। ओके
सर अपने हमने देखा टाटा मोटर्स को पहला ट्रांच ऑफ इन्वेस्टमेंट अबाउट 3,750 करोड़ फ्रॉम टीपीजी फॉर ईवी बिजनेस आया है, कहाँ इमीडिएट डिप्लॉयमेंट होगा इस पैसे का सर? जैसा कि जब हम लोगों ने अनाउंसमेंट भी किया था तो हमने बताया था कि इस पैसे को हम लोग इन्वेस्ट करेंगे नए प्रोडक्ट्स में। तो जैसा आपको पता है कि हमने अनाउंस किया है कि 5 वर्षों में हम लोग 10 प्रोडक्ट्स लाएंगे और कई सारी अंडरलाइंग टेक्नोलॉजीज हैं जिसमें हम लोग इन्वेस्ट करेंगे, पावर ट्रेन टेक्नोलॉजी में, फिर लोकलाइजेशन में इन्वेस्ट करेंगे। तो ये सब एरियाज में हम लोग इस फंड की यूटिलाइजेशन करेंगे। बीन अ बिग डैम्पनर जनरली हमने देखा इस बार सभी चीजें जो गाड़ी के लिए यूज होती हैं रॉ मटेरियल प्राइस इन्फ्लेटेड लेवल्स पर है, प्राइस हाइक कंपनीज ऑब्वियसली लेना पड़ रहा है टू प्रोटेक्ट मार्जिन्स, तो टाटा मोटर्स के लिए क्या इस वक्त सिचुएशन है इन टर्म्स ऑफ प्राइस हाइक्स? क्या आगे भी आप प्राइस हाइक लेने की सोच रहे हैं? बिकॉज ऑब्वियसली प्राइसेस आर कंटिन्यूइंग टू राइज, तो अभी तक कितना प्राइस हाइक लिया गया है इस साल और नेक्स्ट इवैल्यूएशन कब होगा? इस साल हमने करीब करीब 3.5-4% की प्राइस हाइक ली होगी टोटल रेवेन्यू की, जबकि कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो करीब करीब 5.5-6% की इंक्रीज हुई होगी, तो हमने पूरा पास ऑन नहीं किया है। उससे ज़्यादा यू नो पहले हम लोग स्टील प्राइसेस और प्रेशियस मेटल की बात करते थे स्वाति, लेकिन अगर आप देखें तो सेमीकंडक्टर में जो प्रेशर आया है ऑटो मैन्युफैक्चरर्स को, उसमें हमें मार्केट से स्पॉट बाइज करनी पड़ रही है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, तो एक सेमीकंडक्टर का जो कॉस्ट भी है वो काफ़ी बढ़ गया है। तो ये सब को अगर कॉम्बिनेशन में देखें तो प्राइस हाइक जो है वो इमिनेंट है। कब ले पाएंगे हम लोग वो अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, जैसे हम लोग डिसाइड करेंगे उसके बारे में बता सकते हैं। ओके, तो प्राइस हाइक इमिनेंट है, इनफैक्ट हम काफी कंपनी से बात कर रहे हैं, उनका भी यही कहना है कि प्राइस हाइक लेने की जरूरत पड़ सकती है। कमर्शियल व्हीकल्स में ऑलरेडी हुआ है सर, तो इसीलिए मैं जानना चाह रही थी क्या इसी मंथ कोई प्राइस हाइक आ सकती है, क्वांटम वही 2-3%? पॉसिबल है लेकिन अभी कंफर्म नहीं कर सकते। सीएनजी ऑफ कोर्स वहां पर अच्छा खासा फोकस कंपनी का है, हम देख रहे हैं रिस्पांस भी उस स्पेस में आ रहा है, आपकी प्रोडक्ट पाइपलाइन फॉर सीएनजी पर्टिकुलरली इन FY23 कैसी रहेगी? यू नो ऑफ कोर्स पेट्रोल डीजल प्राइसेस आर हिटिंग द रूफ, तो इस वक्त लोग सीएनजी भी अच्छे तरह से प्रेफर कर रहे हैं। बिल्कुल, सीएनजी की ग्रोथ हम काफी देख रहे हैं, हमने जनवरी में जैसा लॉन्च किया था टियागो टिगोर पहली 2 प्रोडक्ट, और इसमें हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा बुकिंग्स हमारी आई हैं। अगर मैं मंथली सप्लाई रेट देखूं तो उसका कम से कम 3-4 गुना ज़्यादा बुकिंग्स हमें मिली हैं, तो इस सेगमेंट पे हम काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं और बाकी कुछ प्रोडक्ट्स पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। बट कब लॉन्च करेंगे इसको तो हम लोग लॉन्च के जैसे नज़दीक आएंगे तब बता पाएंगे। ऑल राइट, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र हमसे बात करने के लिए और हमें बताने के लिए आगे कंपनी के क्या प्लान्स हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन ऑन दिस बिग माइलस्टोन। थैंक यू थैंक यू थैंक यू स्वाति।